धोखाधड़ी का मामला, सरकारी नौकरी झांसा देकर 50,000 ठगने का आरोप, केस दर्ज। जिला के गांव बुडोली निवासी एक महिला ने नंगानियावास निवासी एक व्यक्ति पर नौकरी का झांसा देकर 50,000 रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर खोल थाना पुलिस ने ठगी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव बुडोली निवासी अनीता ने बताया कि गांव नंगियावास निवासी सत्यवीर ने उसे सरकारी नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था। इसकी अवेज में सत्यवीर उनके घर से 50,000 रुपये भी लेकर आया था। आरोपी ने एक लड़की को भी उससे मिलवाया था, उसके खाते में 10,000 रुपये जमा कराए थे। आरोपी एक महीने तक उसने दिल्ली के चक्कर लगवाते रहे। आरोपियों के खिलाफ उन्होंने 18 जनवरी को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने आरोपियों के खिलाफ मार्च महीने में पुलिस अध्यक्ष को शिकायत दी थी। इस पर गुरुवार को खोल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धन्यवाद।